अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रखे हो मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो मैंने ना इंट्रो का म्यूज़िक हटा दिया क्योंकि रमज़ान है और आप सबको दिल से रमज़ान मुबारक। और हमारा बैकग्राउंड साउंड भी जो ना वो बिल्कुल बिल्कुल स्लो हो जाएगा कि आप लोग को बस आवाज़ ही आएगी। और वो जैसे होता है ना, बस लाइक हद से ज़्यादा स्लो कर दिया मैंने उसका, वो सही से आपको सुनाई भी नहीं देगा। तो गाइस, सबसे पहले तो दिल से आपको रमज़ान मुबारक। उम्मीद करता हूँ आपका रमज़ान अच्छा जाएगा और इस बाबरकत महीने में आप लोग मेरे लिए दुआ करना, मैं आप लोग के लिए दुआ करूँगा। और इंशाल्लाह मेरा इरादा है पूरे रोज़े रखने का, इंशाल्लाह पूरे रोज़े रखूँगा। आप लोग भी रखना और दुआओं में याद रखना। तो गाइस, अभी आपने देखा पाकिस्तानी क्लैन था ये जिसका प्लेन था, और ये भी सिटी में उतरते हैं, हम लोग भी सिटी में उतरते हैं। और यहाँ पर ना लाइक वो सम टाइम होता ना हैकर हैकर वाला चल जाता है, वो सीन चल गया था। और वो तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मैंने भाई ये वीडियो रिकॉर्ड की थी, वरना लाइक हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने ना हमारी इज्जत उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बट कोई बात नहीं बाबा जी, अनानी में सर बोलते हैं कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा। तो हम लाइक अभी हाँ अभी हमने नाड़ा भी पहना हुआ कच्चे में, तो हाँ हम ये डायलॉग यूज़ कर सकते हैं। गन फाइट हो गई थी गैस, हमारे दो टीममेट नॉक है, मुझे गन नहीं मिल रही थी और इनको बचाना मुश्किल था। यहाँ पर मुझे बैरल मिली और मैं फ़ौरन से भागूंगा अपने टीममेट को बचाने के लिए, और इतनी देर में वो ब्लीड आउट हो जाएंगी। और हमारे जो भी भैया आगे नॉक पड़े, और एक और टीममेट हमारी नॉक, ये लो भाई। मतलब नहीं मतलब क्या, कच्चे वाले हमारे जो कालिया भाई, कालिया है कालिया, उसको अब मुश्किल में डाल रहे हो। फिर कालिया ने दिया जूबी भैया को रिवाइव, और अब जूबी भैया की ज़िंदगी हमने फ़िलहाल के लिए बचा ली, लेकिन जूबी भैया दोबारा से नॉक हो जाएंगे। और यहाँ पर पूरी सिटी में गाइस हमारी ज़िंदगी खतरे में आ जाएगी। अबे मैं दो बंदे नॉक कर दिए थे इनके, हम फ़ौरन से वापस अंदर भागे, और इतनी देर में हमारे जूबी भैया है ना वो नॉक होके बैठ जाएंगे। अब इनके बाकी दो बंदे कवर देने के लिए आ गए थे और हमारे जूबी भैया नॉक हो गए। अब गैस मुसीबत ये थी मेरे पास एमो नहीं थी, तो मैं जूबी को रिवाइव नहीं दे सकता था। उनमें से एक रिवाइव हो जाता है और मेरे पास आप देख सकते हो 13 एमो, और वो दो के दो बंदे लाइक मेरे पीछे भाग रहे हैं। सब रिवाइव हो गए थे, दो बंदे हील कर रहे थे अपने आप को और दो बंदे मेरे पीछे भाग रहे थे। तो मैं बस ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था अपनी, और ये देखो ओहो। फिर जब मुझे लगा ना मैं भाग नहीं सकता, मैंने बस इन 13 गोलियों से एक बंदा नॉक करने का सोचा, और फिर मैं 12 गोलियों में एक बंदा नॉक किया क्योंकि मेरी सारी गोलियां उसको कनेक्ट हो गई थी और बैरल होती भी पावरफुल है। बस फिर मैं नॉक किया तो वो लोग रुक गए और बाबा जी हम फ़ौरन से भाग के बानाउस में आ गए। और लाइक इस गेम ने ना हमें बड़ा दौड़ाया, बट मैं आपसे कुछ भी लाइक वो नहीं होता ना लाइक कट वगैरह नहीं करूँगा, सब लोग आपके सामने होगा, सब चीज़ आपके सामने होगी। हमें डीपी मिली थी और ये बंदे मेरी टीममेट की लूट कर रहे होंगे, तो मुझे एक बंदे को फिनिश करने का मौका मिल जाएगा गाइस। यहाँ पे पहले मैं ऊपर आके यहाँ पे थोड़ी लूट वगैरह देखता हूँ। 5 की एमओ मिलती है लेकिन 5 की गन नहीं होती, डीपी में 30 एमओ, बैरल में 30 एमओ। बस इनको पता था मैं यहाँ हूँ, ये बंदे मुझ पर नेड वगैरह कर रहे थे, मॉली वगैरह कर रहे थे। तो गाइस इस वीडियो का लाइक से हम रखेंगे 40,000, तो प्लीज़ सबके सब ठोक दो लाइक बटन गाइस, दबा दो, तोड़ दो लाइक बटन आप लोग एनोनिमस की पब्लिक का। वो गाइस सामने लूट कर रहा था बंदा, मैं गैस का बैकअप उठाया, और इसको तो मैंने यहाँ पे नॉक एंड फिनिश किया भाई। अब देख लो लाइक, वैसे मैं फनी तरीके से बोल रहा हूँ, सही है। अब देख लो ये, इसमें कोई भी हेडशॉट नहीं था, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे। लाइक हमारे जूबी भैया ना इस गेम में थोड़े से ना दुखी हो गए थे, नाराज़ हो गए थे और सैड हो गए थे और गुस्से में आ गए थे कह सकते हैं, क्योंकि गाइस पता है लाइक बस छोड़ो, वो ऑल पे ना बहुत कुछ ऐसा उल्टा सीधा चल रहा था ना, तो किसी को भी लाइक बुरा लग सकता है। लाइक ऐसा होता है ना, जब मैं किसी से मर जाता हूँ ना फिर मेरे को बोलते हैं नूब, और जब मैं किसी को मार देता हूँ फिर बोलते हैं हैकर 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 लॉल। तो इस गेम में भी ना गाइस कुछ ऐसे ही हो रहा था, लेकिन एनोनिमस की पब्लिक को सब पता है भाई, एनोनिमस की पब्लिक देखती है अपना डेली देखती हैं, तो अब उनसे कुछ नहीं छुपा हुआ। तो गाइस मैं पीछे के रास्ते निकल रहा था, लेकिन मुझे थोड़ी लूट चाहिए थी, थोड़ी एमओ चाहिए थी। अब मेरे पास डीपी में भी एमओ नहीं है और पूरे स्क्वाड का मुकाबला हम 30 एमओ के साथ नहीं कर सकते पब्लिक, तो हम लूट करने लग गए। इन घर में भी मैं अच्छे से लूट कर रहा था, लेकिन ये लूटेड थे और मैं कह रहा था भाई कोई गन आप गलती से छोड़ गए हो और वो गन मुझे मिल जाए। तो मेरी ना लाइक जैसे जैसे घर ख़त्म हो रहे थे मेरी उम्मीद भी ख़त्म हो रही थी कि लूट नहीं मिल रही थी, और फिर यहाँ पे शुक्र है बैंडेज और ग्रिप मिली, तो ये को थोड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। और उसके बाद आखिरी घर में हमें थोड़ा सा ना लाइक जीने का सहारा मिल गया, वो वाला सीन हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगी हमारी ऊजी मिल जाएगी, और फिर ऊजी उठा लेंगे और ऊजी लेके ना, ओहो एक्सटेंडेड मैग लेवल 2 का हेलमेट, पबजी वाले इतने भी बुरे नहीं हैं गाइस। और फिर मैं आ जाता हूँ इस वाले अपार्टमेंट में
और यहाँ से हमें नजर आएगा वही पाकिस्तानी क्लैन जो आया था, जो ऑल पे लाइक बुरा भला बोल रहे थे भाई, और ये छत पे बंदा चढ़ा हुआ था। अब मैं नॉक किया गाइस, देख लो नॉर्मल तरीके से मारा। वैसे तो मतलब ये लोग वीडियो देख रहे होंगे, मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, अपने भाई लोगों के लिए, क्योंकि गाइस ये लाइक मैं इतनी मेहनत से, यकीन करो गाइस मेरा ना, मैं ऑनेस्टली बताऊँगा, जब ये चार लोग बचे थे ना, मेरा दिल था कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने मार देना, और फिर लाइक अब 1v4 आपको पता मुश्किल होता है, और ये लोग मार के फिर वीडियो पोस्ट कर देंगे भाई एनोनिमस को मार दिया ये वो, एक्चुअल नॉर्मली ऐसे ही होता है। तो मेरा दिल था मैंने यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन फिर ना यकीन करो मैं बड़ी हिम्मत की गाइस, मैंने कहा नहीं बाबा जी देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा कच्चे के लिए होगा, पिंडी बॉय है, भागूंगा नहीं, कोशिश करूंगा। और फिर मैंने कोशिश की, अपना बेस्ट दिया, और अभी ना जो अरबी स्क्वाड था ना, जिन्होंने मेरा स्क्वाड मारा था, वो उनका एक ही बंदा बचा है, क्योंकि पाकिस्तानी स्क्वाड ने ना उनके बाकी बंदे मार दिए थे, एक को मैंने मारा था, दो बंदे इसी पाकिस्तानी स्क्वाड ने अरबी लोगों के मार दिए थे। अभी लोग रोटेट कर रहे थे, मेरे पास ज़्यादा एमओ में नहीं है, तो मैं बिला वजह इनको नहीं मार रहा था, अगर नॉक भी करता आपको पता वो रिवाइव हो जाता, इतना दूर था वो। तो अब मैं पहले तो देख रहा था कि कितने बंदे हैं, और मैं लाइक कोशिश कर रहा था समझने की कि कौन सी टीम के कितने बंदे बचे हैं। उसके बाद गैस मैंने फैसला किया बस मैं लाइक आर या पार करूंगा, मैंने रश कर दिया अरबी लोगों पे, और ये देखो ये खड़ा हुआ है लॉल, ये मुझे मार सकता था, पता नहीं घबरा गया क्या, ये अब नीचे रश कर देगा। सर भी ने रश किया गाइस, मैं उजी निकाली, और जब रश करके मैं यहाँ पे इसको उजी से फिनिश किया, और अब ये पाकिस्तानी स्क्वाड बचा था गाइस, और ये मुझ पे कर देते हैं रश। अब इनमें तीन बंदे सेम क्लैन से हैं, एक बंदा आया हुआ है रैंडम, और जो रैंडम आया हुआ है ना वो भी हमारी पब्लिक का हिस्सा है, लाइक अपनी अनोनिमस की पब्लिक है वो, जो इनके साथ इन तीन बंदों के साथ रैंडम आया हुआ है, और वो इनको बोल रहा था कि ना मीटअप करते हैं मीटअप करते हैं, बट ये लोग कह रहे थे नहीं एनोनिमस को मारना है, तो वो बंदा बड़ा बोल रहा था इनको कि नहीं मीटअप कर लेते हैं। अब देखो गाइज उस बंदे का हेड ही नज़र आ रहा है, ठीक है, कोई बॉडी और नज़र नहीं आ रही, तो सिर्फ उसका हेड नज़र आ रहा है। अब बॉडी शॉट भी लगे, और यहाँ भी हेड शॉट बाद में कनेक्ट हुआ, बॉडी शॉट लगे, और ये भाई को मैंने नॉक किया, आपके सामने नॉर्मल मार रहा हूँ, लेकिन भाई लोग जो थे ना ऑल पे जाके भाई बड़ा उनका दिल छोटा हो रहा था, लेकिन ना हम लोगों की आदत है, मेरी भी आदत है, मैं अपना भी बोलूँगा, मेरी भी आदत है, जब मैं मर जाता ना फिर मैं बोलता हूँ यार हैक करे हैक करे, ये हम सब की आदत होती है, है ना गाइस। अब सबके रिवाइव दे रहे थे, एक बंदा रिवाइव दे रहा था, दूसरा कैम देख, बाकी दो बंदे ना कैम करके बैठे थे सीढ़ियों पे, मैंने एक और को नॉक किया, अब इनके बाकी बंदे दो बचे थे, और फिर मैंने फैसला किया दोबारा से रश करूंगा। अब ये अंदर पता नहीं कहाँ से आ गया था गाइस ये बंदा, ये देखा राइट पे आपने कैसे आ गया, और यहाँ तो कोई हेड शॉट नहीं था मेरे भाई लोगों, ये हमारे ये देखो फिनिश भी किया, कोई हेड शॉट नहीं था मेरे भाई, यार प्लीज़ लाइक सपोर्ट कर दिया करो, ऐसे नहीं किया करो ना, ऑल पे जाके फिर आप अपने दिल की भड़ास निकाल रहे होते हो, अप्रिशिएट कर दिया करो कि भाई हाँ वेल डन, लाइक कुछ नहीं कुछ पॉजिटिव नहीं बोले तो कुछ नेगेटिव भी मत बोलो मेरे भाई। तो गाइस उसके बाद मैं छत पे रश करता हूँ, और अब वो इनका आखिरी बंदा नीचे जंप कर जाता है, बाकी किसी को रिवाइव नहीं मिला होता, मैं यहाँ पे फिनिश किया, और एक का किल मुझे मिला, और अब एक को मैंने पहले फिनिश कर दिया था, इन तीनों क्लैन मेंबर्स को मैंने ऐसे करके मार दिया गाइस। अब एक ही बंदा बचा था, और ये नीचे जो था ये था रैंडम, जो इन लोगों को बोल रहा था कि भाई मीटअप कर लो भाई मीटअप कर लो, ये लोग नहीं कर रहे थे ना, तो ये भाई ऊपर आएंगे और ये मुझे बताएंगे भाई मैं रैंडम आया हूँ और मैं मिशन कर रहा था बस, तो लाइक ये फिर मैं इनको नहीं मारता, क्योंकि देखो गाइस प्यार कोई अगर आपको प्यार करता तो आपको प्यार करना चाहिए ना, फिर तो मैं भाई को नहीं मारता, और भाई आएंगे मुझसे मिलेंगे, बॉट आया था यहाँ पे बाबू भैया हमारे, हम इनको करेंगे फिनिश। तो गाइस लाइक बटन ठोक देना यार बस, लाइक बड़ी मुश्किल से मैंने जॉर्जिया की सिटी क्लियर की थी बड़ी हिम्मत से, तो लाइक वो होता है ना अपने आप को मोटिवेट करके, तो प्लीज़ लाइक बटन ठोक देना, हम लोग 40,000 लाइक्स करेंगे इस वीडियो पे। हाँ भाई
तो गाइस यहाँ पे ना हमारे जो जुबी भाई थे ना वो थोड़े से लाइक दुखी हो जाते हैं, कहते हैं यार देख अब मैं खुद बोल रहा था जुबी को कि मैं ना जॉर्जिया की सिटी से चले जाता हूँ, ये इन लोगों ने मार दिया ना लाइक, फिर ये पोस्ट वगैरह करके मेंशन करेंगे भाई हमने अनोनिमस को मार दिया, हालांकि फ़ाइट 1v4 की होगी फिर भी लाइक जो है ना मेंशन वगैरह करके बोलेंगे अनोनिमस को मार दिया क्रेट पे। तो मैं इसलिए इनको बोल रहा था, मैंने कहा यार यहाँ से चला जाता हूँ एंड में देखेंगे, तो जुबी बोला नहीं भाई फ़ाइट लो, मैं ली मैं गाइस सर्वाइव किया। और फिर ऑल पे जब जुबी ने ऑल पे माइक किया तो वहाँ जो चल रहा था ना कि भाई हैकर है और हेडशॉट मार रहा है सिर्फ ये वो, तो इसको बड़ा गुस्सा आया। फिर मैं लाइक शुक्र है इसने कोई ना उल्टी लाइक गाली वाली वो लोग दे रहे थे, बट ये बड़ा बड़ा समझदार बंदा है, बड़ा ग्रेट बंदा है, इसने कोई गाली वाली नहीं दी। हाँ बस ये ना लाइक समझाता रहा पहले, तो फिर बोला कि हाँ भाई ठीक है तो है, अब जो मर्ज़ी समझो, आप लोगों ने रिकॉर्ड किया तो हम लोगों ने भी रिकॉर्ड किया। तो बस इसके साथ ही हमने ये वाली बात ख़त्म की। अब गाइस मैं भाई को साथ ले आया था, तो मैंने कहा देखो भाई इतनी इज्जत दे रहे थे, भाई बात कर रहे थे, मेकअप किया, अब मैं इनको ना चिकन लेके देना कैसे भी करके। तो अब हमारा ये मिशन शुरू हो जाता है कि मैं कैसे भी करके भाई को चिकन लेके दूंगा। और भाई काफ़ी डर के खेल रहे थे, कह रहे थे भाई अगर मैं इनके साथ लैंड ना होता ना मैं कहीं सेफ खेल रहा होता और एंड में निकल के आता। तो मैंने कहा अच्छा भाई अब एक काम करना, बस मुझे नहीं शूट कर देना गलती से, सेफ रहना और मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको चिकन खिलाऊँगा। तो उसके बाद गाइस ये बगी वालों को मैंने टैप टैप दिया था, ये कर देते हैं रश, और रश करने के बाद हमारी आ जाती है ज़िंदगी खतरे में। मैंने नेट कुक किया बट मैं फटने वाला था, मैं यहाँ पे फिर कैंसिल कर दिया। अब ये दो बंदे कर रहे हैं रश और ये काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे ये, और लाइक अब इनको नहीं पता था कि ये दो बंदे हैं ना ये एक टीम के नहीं है, अगर इनको पता होता ना ये रश कर देते। यहाँ पे आया, गन ग्लिच हुई थी गाइस, नेट किया वापस से नीचे भाग जाएंगे ये। अब ये नीचे जाके ना लाइक बाहर जाके स्क्वाड हाउस के एनोनिमस हाउस की ये लोग नेट वगैरह की करने लग जाएंगे बारिश। तो बारिश हो रही थी नेट वगैरह की, मैं देख रहा था और मैं मतलब जब कोई ऐसे नेट करता ना गाइस मैं वॉल पे खड़े होकर ना उसको नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ ऐसे। यहाँ भी मैंने ये किया, मैं ऊपर खड़ा हुआ वॉल पे और मैंने यहाँ पे भाई को नॉक किया और ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया था और मुझे किल मिल जाएगा। अब बचा था गाइस एक ही बंदा और हमें लाइक थोड़ा सा गैस करना था कि वो है कहाँ पे, साउंड वगैरह लेना था क्योंकि अभी मार्क ना मेरे हमारे जो अनॉनिमस की पब्लिक वाला भैया है हमारा उनके भी मार्क आ रहे हैं, एनिमी के भी आ रहे हैं और साउंड भी दोनों का एक जैसा है, तो मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज था वह मैं नीचे रश करने चला जाता हूँ। गाइज मुझे ज़रा आइडिया नहीं था कि बंदा है कहाँ, वो दोनों के फुटप्रिंट से ना इतना कंफ्यूज हो गया था, मैं वो पैनिक रूम में जा रहा था नीचे मारने के लिए, अचानक से देखा यहाँ बैठा हुआ था, लाइक साउंड आता ही कुछ हील वगैरह कर रहा था, इसका साउंड आया मैं फ़ौरन से मुड़ के इसको मारा, वरना अगर ये हील ना कर रहा होता ना अपना कबाड़ा हो जाता गाइज। फिर यहाँ पे हमें मिली पहली मोहब्बत AWM और मैं अपने भाई को बुलाया, भैया आ जाओ नीचे बड़ी लूट पड़ी है, फिर भैया हमारे आएंगे भग के और ये भी करेंगे लूट, और मैं बैरल की जगह M4 उठा लूँगा क्योंकि गाइज जोन आप देख सकते हो एकदम ओपन में है, रिज है, तो जब ओपन जोन होता है आपको स्प्रे करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए फिर हमें ना मैंने यहाँ पे M4 उठा ली, उसकी वजह ये थी बैरल मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दी। और लाइक आपको ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मैं यहाँ पे बैरल यूज़ करता सर्कल में अगर दूर कहीं पे बंदा होता ना तो उसको स्प्रे से मैं बैरल से नॉक नहीं कर पाता, वो बच जाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे M4 उठा ली। और M4 उठाने के बाद गाइस यहाँ पे बंदे स्पॉट करने लग गए थे कि कहाँ कहाँ प्रोन है, मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि अपने भाई को चिकन खिला दूँ कैसे भी करके, और क्योंकि जितने प्यार से बात करते ना कह रहे थे भाई मैं रैंक पुश कर रहा था मिशन कर रहा था, मैंने कहा भाई देखो मुझे नहीं पता था वीडियो बन जाएगी बट मैंने हाँ कोशिश करूँगा आपको चिकन मिल जाए। एक बंदा नॉक किया गाइस, अब एक और बंदा राइट से ना ऑम चला रहा था, स्प्रे दे रहा था, पत्थर के बीच होता नज़र आता है ये देखो, तो हील कर रहा था, कान के नीचे लगाया पिछवाड़ा किया डिंगा अपने भाई का, और ये भी हमारे पाकिस्तानी भाई थे, अभी दोनों नॉक हो गए गाइस, कुछ भी करके इनका किल कन्फर्म करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा बहुत किल भी निकालने हैं वीडियो बनाने के लिए। तो उसके बाद मैं स्क्वाड करने का ट्राई कर रहा था, बस ये भैया ऊपर रिवाइव होने जा रहे थे तो इनको हमने पे किया फिनिश। अब ये दूसरे पत्थर वाले भैया के पास भी कोई नहीं था, ये भी रिवाइव होने के लिए ऊपर जा रहे थे, और यहाँ से हमें एंगल नहीं मिलेगा, तो जब मुझे नज़र नहीं आया मैं छत पे जाऊँगा और यहाँ पे साइड पे आ जाऊँगा ओपन एरिया में, और यहाँ से मुझे नज़र आएंगे मेरे भाई कैसे ऊपर रिवाइव होने के लिए जा रहे थे, तो हमने इनको भी किया फिनिश गाइस। अब बुरी बात हमारे लिए ये थी कि हमारे ऊपर जोन बिल्कुल नहीं था, तो मैं भाई को बोला भाई आ जाओ जोन में चलते हैं और अब ट्राई करना कि लाइक स्पॉट नहीं हो जाना, एकदम सेफ एकदम स्नेक बन के सेफ खेलना। और फिर ये भाई मुझे नजर आते हैं, इनको मैंने हेड मारा भाई गाइस, पता नहीं कि लगा कि नहीं, शायद रिज था इसलिए नहीं लगा, और फिर ये भागने लग जाते हैं, हमारी ऑम हो जाती है वेस्ट और भैया भाग के आ जाते हैं कवर में, और जोन आ रहा था, यहाँ भी मेरे पास जोन नहीं था, 2 मीटर दूर था, तो मैं बाहर आके यहाँ पे प्रोन जाता हूँ, छोटा सा रिज है बट राइट से एकदम ओपन है, सामने वाले से तो कवर है, वहाँ से मुझे पड़ सकती है, तो अभी थोड़ा बहुत ना अच्छा कवर नहीं था, फिर मैं ट्राई किया नॉक करूँ, यहाँ पे भाई नज़र आए हमारे बट साहब, फिर हमने यहाँ पे इनको नॉक किया, अब इनका किल उठाने की ट्राई करूँगा। काफ़ी अजीब जोन था गाइस, और जो हाइट पे है ना उनको सारा कुछ नज़र आ रहा होगा, और जो नीचे उनके लिए मुश्किल है, और हम एकदम नीचे थे।
तो बाबा जी यहाँ पे हमें भट्ट साहब का मिल जाता है किल, और हमारे हो जाते हैं 12 किल। अब बचे थे 5 बंदे गाइस। यहाँ से मुझे किसी ने शॉट दिया था और ये भाई मुझे अचानक से भागते हुए नज़र आते हैं, तो इनको बॉडी शॉट मार के मैंने किया नॉक। अब ये अपने ओ भाई साहब, अगर ये वाकई में गाइस मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, अगर मैं मार देता ना हेड मुझे किल मिल जाना था। और फिर मैं यहाँ पे रीलोड की और हम लोग जाएंगे ऊपर जोन की तरफ। जोन हमसे दूर जा चुका है, और थोड़ा बहुत दूर नहीं, सीधा सीधा 90 मीटर दूर चला गया था। और एकदम ओपन एरिया है, कोई गाड़ी नहीं है, बस यहाँ पे ना हम लाइक वो बचपन में जब स्कूल में मार पड़ने वाली होती थी ना गाइस, तो मैं बोलता था पत्ते पे पत्ता पत्ते पे जाना, अल्लाह पाक मुझे बचाना, और ऐसा बोल के ना ऐसा सोच लेता था कि भाई अब मुझे ज़ोर से नहीं लगेगी, और वाकई में महसूस नहीं होता था, लाइक बस ऐसे गेस कर लेते थे ना। एक होता ना अपने आप को दिलासा देना, तसल्ली देना, वो वाला सीन होता था। तो मैं वही बोलते बोलते बस समझे जा रहा था कि भाई पत्ते पे पत्ता पत्ते पे जाना, अल्लाह पाक मुझे बचाना, बस भाग रहे थे जोन में ऊपर। और आने के बाद यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट जोन में आ चुके थे। मुझे डर था कि भाई जो है वो फिनिश ना आ जाए, क्योंकि जहाँ ये जा रहे थे ना यहाँ पे एक सोलो बंदा था। अब क्योंकि ये फाइट हम दो, सामने बंदे दो जिनको मैंने नॉक किया था, रिवाइव हो गया, और एक सोलो बंदा राइट में ऊपर से इनको मार रहा था, तो मुझे डर था कि राइट वाला सोलो बंदा ना अब हमारे भाई को ना मार दे, तो उसका मुझे डर लगा हुआ था, इसलिए मैं यहाँ पे देख भी रहा था, बट मुझे कोई नज़र नहीं आया। और ये नीचे वालों को जोन में आना था, मैं बहुत अच्छी पोजीशन में आ चुका था गाइस, उनके पास जोन नहीं था। और फिर मैं स्पॉट करने लगा, जैसे मुझे वो स्पॉट हुए कि वो पत्थर के पीछे आए हैं, मैं उनको स्प्रे मारने का ट्राई करूँगा। नेट थैंक यू यहाँ पे नॉक किया मैंने, ऑलमोस्ट मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज दिया था, बट हमारे जो भाई थे ना उन्होंने एक नॉक किया और मैंने भी नॉक किया, लाइक डैमेज दिया, नॉक नहीं मिला, लॉल क्या बोल रहा हूँ मैं। फिर गाइस अब M4 का स्प्रे करते हुए आगे बढ़ता हूँ। आई गेस ये अकेला बंदा बचा था अब, क्योंकि एक नॉक था, ये जोन में आएगा, एक नेट फेंकेंगे रैंडम। अरे वो प्ले जोन से नॉक हुआ था, मुझे उसका किल उठाना चाहिए था, मैं अभी देखा। और ये वाले भाई ऊपर वाले बंदे को मार देते हैं, तो यहाँ पे ये अकेले बचते हैं। और अजब हमारे भाई अकेले बचते हैं, इतना हमने आगे ले आए इनको, फिर यहाँ पे अभी इनको चिकन ना दें तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा रैंक था गाइस जिसमें 2 स्टार एस, वो आप देख लोगे, बट फिर भी हमने ना अपने भाई को चिकन दे दिया। हमने कहा सर जी ये उठाएं, हमारी पहली मोहब्बत AWM, लगाएं ये टैक्स और हमारे कान के नीचे लगा के हमारा क्रेड बनाए, और आप ले लें विनर चिकन डिनर। और पता है जाते जाते हमारे भाई ने क्या बोला, अस्सलाम वालेकुम, और फिर हमने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, और कुछ ऐसे करके फिर भाई ने हेडशॉट मारा और ये वाली गेम फिनिश हुई। आप खुद देख लो, तो अपने भाई को चिकन देने के बाद गैस हम आ गए थे TDM में आज की, और आज मैं ओनली M24 चलाने वाला हूँ, और अपनी ज़िंदगी खतरे में आने वाली है। और मैच स्टार्ट हुआ, हम अपना पिछवाड़ा ज़मीन पर रगड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो देखो बंदर की तरह ऊपर चढ़े में और नेट वेट कर रहे थे, बम फटे जा रहे थे हमारे पिछवाड़े में, और सारा बड़े गुस्से में थी। सारा ने M24 पकड़ी हुई थी, सारा ने पीक ली और कान के पास से गई होगी, बट कुछ हुआ नहीं, लेकिन सारा ने उम्मीद नहीं छोड़ी, सारा ने दोबारा पीक ली, दोबारा मारा, दोबारा कुछ नहीं हुआ, पिछवाड़ा जख्मी हुआ थोड़ा सा, और फिर जंप करके सारा ने कान के नीचे लगाया, करेड बनाया, दोबारा पीक ली। आए हाय हाय हाय, इस बार अच्छा लगा गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा, सारा बड़ी खुश हुई, सारा ने की गन रीलोड, और फिर सारा घूम रही थी क्या करूँ, कितने जाऊँ, किधर जाऊँ, की करा मैं। फिर लगाया मेरी पंजाबी ना, मेरी इंग्लिश की तरह पंजाबी भी बहुत सस्ती है गाइस, हम लाइक उर्दू ही बोलते हैं घर में भी, तो मेरी ना पंजाबी बहुत ही सस्ती है लॉल। फिर यहाँ पे भाई पी लिया, रुक जा, मैं मार दिया था पीलिया को, बट इसने ना ये नीले कच्चे वाले जिसके पिछवाड़े पे राइटिंग है इंग्लिश की लिखी हुई, उसने मार दिया। और फिर मैं यहाँ पे पीलिया को दोबारा मारा, सारा ने पीलिया को मारा, मैंने नहीं मारा लॉल। और फिर सारा पीक दे रही थी, सारा करती आइए कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा वापस जाओ राजा, और ये फिर इसने मार दिया गन वाले ने, अपने पिछवाड़े पे लिखवा के आया हुआ, मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर लेट के मारे थे भैया, वाह। फिर भाई वाले भाई को किया हमने वहाँ पर फिनिश, और ये वाला किल हमारे टीममेट ले लेंगे। हम मर भी रहे थे, 7 किल में कर चुका था यहाँ पे गाइस, मैं मर भी रहा था, और उसके बाद केड़ी तो इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि M24 चलाते हैं, सामने वाले AR चला रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे गाइस ये वाला किल हमें मिला, और ये फनी किल था एकदम, वो देखो गाइस कितना एम करके खड़ा हुआ है, और मैं मुझे पता था सामने जाके नेट करूँगा ना तो ये मार देगा, मैं नेट प्रोन होके गया उसको, लाइक पता नहीं क्या हुआ, क्या समझ नहीं आई क्या, मैं मतलब अकल इस्तेमाल करना ना हमारे बहुत काम आ गई। और इसके बाद ये भाई हमारे क्लोज आ गए थे, यहाँ पे हमें थोड़ा सा लाइक एंगल बना के इनको मारा, दूसरा किल लिया, तीसरा किल लिया, बट नहीं मिला, ओके मिलेगा, तीसरा किल मिला, 12 किल हमारे हो चुके थे, और एक हमारे टीममेट लीव कर गए थे। फिर ये पीलिया भैया भाग रहे थे, पीलिया भैया हमसे बड़े पिटे इस गेम में। और फिर यहाँ पे हमें मिल गई विक्टोरी,
13 किल के साथ। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताना, और मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, बस अच्छी लगे तो ऐसी प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना। और गाइस प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, मैंने एक रूम में जाकर ना वीडियो बनाई थी, गैस कैन फाड़े थे, नई वाली बनाई है, वो आपने पुरानी देखी होगी, एक नई बनाई है, तो आप ज़रूर देखना इंस्टाग्राम पे जाके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, ये आप सर्च कर लेना @theanonymousxd, सब आपने जोड़ लिखने आ जाएगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।